खाने की सब्जी। आईने का तो छोड़ दिया हम, हाँ हवा छोड़ के उन्होंने कहा जी तो वहां मिलूंगा। ठीक है गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन गुरुवे नमः। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। ओम भूर्भुवः स्वः पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मेरी आवाज आ रही है क्या? आप सभी जी सुन रहे सर हैं? आ आ रही रही है, आ रही है। है। राम गुरु जी जी, सर राम राम। आप सभी लोग अपना वीडियो ऑन करें। कैसे हैं राजीव जी? सर आवाज बहुत धीरे आ रही है। अब बहुत धीरे आ रही है, रुकिए देखें कहीं से ठीक बढ़। है, अब ठीक है, अब ठीक है।
आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे चले गए हैं? हम लोग जो है ये वाली क्लास जो है ना एडवांस की क्लास है, इसको एक विषय को सिंक्रोनाइज करते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे, एक टॉपिक लेके चलेंगे, एक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, फिर उसी पे तो सर अपना आवाज अक्सर सिर्फ धीरे धीरे आने लग गई। सभी को धीरे धीरे आ रही है कि आप ही को आ रही है? राजीव जी आपको आ रही नहीं आ है? रही है सर सर, समीर ठीक को है आ रही आपकी आवाज है? थोड़ी ठीक सी है, कम आ रही है, ज्यादा नहीं आ रही। थोड़ी सी कम आ रही है। देखिए मैंने तो अपना वॉल्यूम पूरा ज्यादा कर रखा है, बीच बीच में ठीक है जोर सर, ठीक से। होगी होगी होगी, ठीक होगी। कुछ विषय है जिसको हम आपको एक्सप्लेन करें, प्रयास करिए। जो बेसिकली फोकस कर रहे हैं वो शॉर्ट टाइम प्रिडिक्शन टेक्निक लर्न कर रहे हैं। इसमें समझना ये है, सिस्टम को यूज करके हम लोग प्रोडिक्शन करेंगे उसको समझते हैं एक बार फिर से। कोई भी ग्रह जो है, ग्रह अपना फल कब देगा, ये क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन का उत्तर जो है कृष्ण हमारे पास है, वो है जब तो उसकी विषुवत्री माता में ही फल देगा। अब इसके पास दूसरा आता है किसका फल देगा, तो हम लोगों ने जो रिवीजन किया था किसका फल देगा, उसमें हम लोगों ने एक काम किया था कि जो महादशा है उसको हमको छोड़ देना है, अंतर और प्रत्यंतर को देखना है। जैसे इस समय इस जातक के लाइफ में राहु की महादशा 2040 तक है, राहु में राहु का अंतर 17/11/2024। अभी के पीरियड में ये जो जातक है 1 अगस्त 2022 ये खत्म हो गया, 11 दिसंबर भी खत्म हो गया। ये जातक इस पीरियड में राहु राहु और शनि, यही इस जातक का पीरियड चल रहा है। इस जातक के इस पीरियड में किसका फल आएगा, कितना फल आएगा, इसका जो प्रिडिक्शन होगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि जातक की लाइफ में हो क्या रहा होगा। अब दूसरी बात इसमें ये आती है कि कोई भी ग्रह जो फल देगा तो किस सबसे पहले किसका देगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। सबसे पहले वाले उत्तर में कृष्णमूर्ति ने जो कंक्लूजन निकाला वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने का। कृष्णमूर्ति का कंक्लूजन प्रिडिक्शन को बहुत शॉर्ट बना देता है। जैसे कोई भी ग्रह, जैसे मान लीजिए इस समय राहु और शनि, यही हम लोगों ने लिखा है,
होगा क्या कि राहु और शनि सबसे पहले जो ग्रह है जिस नक्षत्र में है उसका जो स्वामी है वो जिस भाव में है उसका फल देगा। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं वही वो भाव हो जाते हैं। जैसे सूर्य की अंतर दशा प्रतिदिन दशा जब चलेगी तो वो दूसरे भाव का फल देगा, और ये ABCD कैटेगरी में होता है। डी कैटेगरी का फल बिल्कुल नहीं मिलेगा, उन्हीं प्लैनेट में मिलेगा जहां पे प्लस साइन लिखा हुआ है, अदरवाइज ये नो में चला जाता है। तो हमारा जो प्रेडिक्शन है ABC में जाता है, ए सबसे ज्यादा है, बी उससे कम है, और सी सबसे कम। अब फोकस करिए राहु और शनि को मिला जाए, राहु और शनि को मिलाइए। अब इसमें राहु क्या कर रहा है, देखिए राहु दो सेकेंड हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, टू टू है, और शनि के पास क्या है, 4 2 11 4। अब इसका हमको प्रिडिक्शन करना है, पर्टिकुलर 3 महीने में ये जो जातक है दूसरे हाउस चौथे हाउस दूसरे हाउस 11वें है। सो इसमें क्या 6 8 12 हैं, तो नहीं ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो गया। 6 8 और 12 का न होना किसी भी हाउसेज में वो उसको एक्स्ट्रा पॉजिटिव बना देता है। हेलो, पढ़ा सर, आप तो क्लास में थे, यहाँ कहाँ से आ गई, सर एंटर ही नहीं कर पा रही हूँ तब से। मीटिंग छोड़ करके फिर से एंटर करिए, आप दिख नहीं रही, लेफ्ट करके फिर से एंटर करिए, हम आपको एंटर। सो उसमें होता क्या है कि अब इसमें कई कंडीशन आ जाती है, अब उस कंडीशन को आप समझिए। अब पहली कंडीशन ये है कि हमको इस जातक की उम्र देखनी पड़ेगी, 1978 में बॉर्न है, तो अब अभी की एज में आप चेक करेंगे तो कितनी उम्र हुई इनकी, 44 ईयर हुई। तो अब ये देखिए चौथा हाउस जो बताता है वो ये बताता है कि अपनी प्रॉपर्टी खरीद, कार परचेज, यहाँ पे आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि आपका किसी से प्रेम हो जाए टूट जाए। यहाँ पे आपको, आप इस प्रेडिक्शन में जाएंगे ये जाता है कि आपसे पूछेगा कि मुझे अपना मकान खरीदना है हम ले पाएंगे, या फिर मुझे कार खरीदनी है हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। और साथ ही साथ ये दूसरा और 11वां हाउस ये जो एक्टिव एक्टिव हुए हैं ये धन का लाभ है, तो ये पीरियड पॉजिटिव हुआ। अब इसमें अगर एक दो चीजों को आप जोड़ो तो काफी लाभ मिल पाएगा, वो दो तीन सूत्र है वो पढ़ लीजिए। जैसे जो फिल्म, कौन सा व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री में काम करेगा, तो फिल्म इंडस्ट्री में कई तरह के काम होते हैं, पर ये सारे काम जो होते हैं शुक्र के अंदर आते हैं, मंगल के अंदर आएगा और राहु के अंदर आएगा। आ इनका जो कारक भाव होता है वो 3 5 7 के साथ 10 और 11 मिलते हैं। तो अगर शुक्र मंगल राहु 3 5 7 10 और 11 का सिग्निफिकेटर दे रहा है तो ये व्यक्ति निश्चित रूप से फिल्म में जॉब करना पसंद करेगा, और नहीं दे रहा है तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। और दूसरा मंत्री पद और उच्च पद, किसे मंत्री का मिलेगा किसे उच्च पद मिलेगा। तो इसके जो कारक ग्रह होते हैं शुक्र होता है, गुरु होगा और राहु होगा। इसमें कारक भाव कौन से होंगे, पेंट पांच हाउस रहेगा। ये भी वही होता है 10 11। इसमें सिर्फ कारक ग्रह बदल जाते हैं, देखिए शुक्र और राहु तो यहाँ भी हैं, शुक्र राहु यहाँ भी हैं, पर यहाँ पे गुरु भी इसमें मिल गया तो ये मंत्री पद और उच्च पद मिल जाता है। कुछ लोग पूछते हैं कि शेयर का मार्केट में हम काम करेंगे कि नहीं, शेयर और सट्टा बाजार, इसके जो कारक ग्रह होते हैं
इसके कारक ग्रह होंगे शुक्र, बुध और राहु, और इसका कारक भाव जो होगा दो तीन अच्छा पांच, इसके साथ 10 और 11। एक कॉमन चीज देखिए क्या है इसमें। अच्छा 10 11। और एक और चीज है देखिए जिसको कॉमन पाएंगे, पंचम हाउस, फिफ्थ हाउस। सो फिफ्थ हाउस का जो कनेक्शन होता है वो काफी इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। बिना फिफ्थ हाउस के कनेक्शन के कोई भी व्यक्ति इन क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं तो फिर फिल्म इंडस्ट्री के काम में जाएगा, ना तो मंत्री पद पाएगा, ना उच्च पद पाएगा, शेयर सट्टा बाजार कार्यक्रम। और 5 10 11, अब समस्या इस बात आती कि इतना बड़ा चेक कैसे किया जाए। दो और है उसको भी, 3 और है उसको भी समझ। वो एक भी है, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं अभी मत पूछिए। एक है कमीशन और दलाली। क्या शुभ नाम है आपका? हेलो, हेलो, हाँ मनोज बोल रहा था, मनोज हाँ जी। बोल रहा था, मनोज। नहीं सर, मनोज जी आप मेरे ख्याल से पहली बार आए हैं, जब हम पढ़ाते हैं तो हमसे कोई प्रश्न नहीं, इसको पढ़ा लेने दीजिए, नहीं तो बीच में। ठीक है ओके इसका ओके कारक ग्रह जो होता है बुध, राहु और मंगल होता है। और इसका कारक भाव क्या होगा? 3 के साथ 5 होगा, 10 के साथ 11 होगा। ऑनलाइन व्यापार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो इस ये वाला मैं हम बता रहे हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ऑनलाइन ये अभी मॉडर्न एज का टॉपिक है और इसमें बहुत सारे लोग मिलेंगे। इसका जो कारक ग्रह होता है वो बुध, राहु और शुक्र है। सर, एक बार रिपीट कर दीजिए क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक आप ध्यान से पढ़िए, अभी हम रिवाइज कर देंगे। इसका जो कारक ग्रह होगा बुध, राहु और शुक्र होता है, और कारक भाव इसमें 3 5 10 और 11। मंत्र सिद्धि कौन प्राप्त कर सकता है? मंत्र सिद्धि के जो कारक ग्रह होते हैं वो शुक्र और केतु होता है, और इसका कारक भाव होगा 5 8 9 12, इसके साथ 10 और 11। एक नया टॉपिक होता है विदेश दूतावास। या फिर विदेश में सम्मान, अनजान लोगों से लाभ। इसका कारक ग्रह होता है शुक्र और राहु। इसके कारक होंगे 3 5 9 12 10 11। इसको नोट कर लीजिए, फिर से मैं एक बार रिवाइज कर। सर, एक पिछली बार ही दिखा देते, पिछला वाला। पिछले वाला भी दिखा देते हैं। अभी इसमें पढ़ा क्या हम लोगों ने?
हम लोगों ने एक टॉपिक लिया था। कौन सा टॉपिक लिया था? गॉड रूल। उसको हम फिर से बताते हैं आपको, फिर से उसको समझिए। बहुत सारे लोग हैं जो इस वाली क्लास में पहले से नहीं जुड़े थे, तो उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है, काफी लोगों को समझ में आ रहा है। फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। इस सिस्टम में जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो कुंडली हमें देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमको क्या करना है, यहाँ पे जो ग्रह निर्देशन खाका दो बना है, यही हमको देखना है। ये वाला प्लैनेट सिग्निफिकेटर, अब जैसे इस पूरे प्लैनेट सिग्निफिकेटर को अगर आप चेक कर लो, तो इस व्यक्ति के विषय में बिना कुंडली देखे बहुत कुछ आप बता सकते हैं। स्पेसिफिक बताने के लिए कुछ सूत्र हमें याद करने पड़ते हैं, उन सूत्रों को समझ लीजिए तो काफी अच्छा हो जाएगा। जैसे कोई भी ग्रह अपना फल कब देगा, तो उसका उत्तर आता है विषुवत्री महादशा में देगा, उससे पहले तो देगा नहीं। किसका फल देगा, मान लीजिए सूर्य की महादशा, अंतर्दशा, प्रतिदशा में कुछ भी चल रहा होगा, तो सूर्य किसका फल देगा? तो सबसे पहले स्तर का फल सूर्य जो देगा, जहां पे जिस नक्षत्र में सूर्य बैठा है उसका नक्षत्र स्वामी कुंडली के जिस भाव में बैठा होगा उसका फल देगा। अब आपको उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। सर सॉरी, दोबारा रिपीट करेंगे सर। जी हाँ जी, अजय बात कर रहे हैं सर आप? ओके, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। अजय जी मैं एसडीसी से बात कर रहा हूँ, मथुरा से। दरअसल आपका रिक्वायरमेंट देखा था, अभी आपको मैसेज आया हुआ था डाउनलोड के लिए। अच्छा हाँ, व्हाट्सएप पे भेजिए, हमको चाहिए आपको। अच्छा ये व्हाट्सएप नंबर है हाँ आपका? हाँ भेजिए भेजिए। ठीक है, मैं अभी भेजता हूँ। तो पहले उस नक्षत्र का स्वामी जिस भाव में होगा उसका फल देगा, इसका फल ज्यादा देगा। हाँ जी बताइए। हेलो, दूसरा फल किसका देगा, जहां स्वयं ग्रह की भाव स्थिति है। अब समस्या क्या आ जाती है उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। समस्या ये आती है कि हम लोग जो जब कुंडली का प्रिडिक्शन करते हैं, रूपा जी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर, पिछला सुन नहीं पाई थी जब आपने ये स्टार्ट किया था। परेशान मत होइएगा, इसका वीडियो डाल देंगे, अभी 10 मिनट में डालेंगे। हमारे सामने ये समस्या आ जाती है कि हम प्रेडिक्शन कैसे करते हैं। देखिएगा, लोग पूछते हैं ना, ये मान लीजिए लग्न कुंडली, यही लग्न कुंडली है, अब गुरु यहाँ बैठा हुआ क्या फल देगा, ऐसे में आप लोगों का युद्ध शुरू हो जाता है। कृष्णमूर्ति ने इस सारी चीजों से छुटकारा दिला दिया। ये वैदिक पे एड ऑन है, वैदिक सिस्टम यूज करो। याद नहीं हो पा रहा है तो आप इसमें केपी सिस्टम को एड ऑन कर लो। जब आप केपी सिस्टम को एड ऑन कर लेंगे तब आपको समझ बहुत अच्छी विकसित हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर लेंगे। जब आप बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर लेंगे तो आपका प्रेडिक्शन बहुत अच्छे चलेगा। यही है एडवांटेज इसका। इसमें बहुत ढेर सारे सूत्रों को याद नहीं करना पड़ता है, बिना याद किए ज्योतिष जो होती है वो इसी मेथड से चलती है, प्रेडिक्शन आपका परफेक्ट रहेगा। अब समस्या इस बात की आती है कि इसको समझे कैसे। जैसे ये वाला चार्ट अगर आप इसको खोल लो, तो एक सरसरी निगाह में से इस व्यक्ति के विषय में अगर आपको बताना पड़े, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन अबाउट दिस पर्सन एट अ ग्लेंस, तो आपको क्या करना है, आप इसमें देखो कौन सा नंबर ज्यादा बार है। जो नंबर आपको बहुत ज्यादा बार दिख रहा है, जैसे मुझे जो समझ में आ रहा है 2 नंबर बहुत ज्यादा है, आपको भी यही लग रहा है, कुछ और नंबर लग रहा है, बताइए। सर दो ही लग रहा है, 3 लग रहा है और 4। हाँ, तो 4 भी लग रहा है। तो इस व्यक्ति के पास धन बहुत होगा और ये प्रॉपर्टी खरीदेगा। जिन भावों के नंबर्स ज्यादा होते हैं, उस व्यक्ति की लाइफ उन भावों के प्रति बहुत आकर्षित होती है। अगर इसी कुंडली में 5 ज्यादा बार हो जाए, तब आप क्या कहेंगे, इसकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, प्रेम भाव में बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो ये आसानी से प्रिडिक्शन किए जाते हैं, और किसी भी व्यक्ति को अगर आपको ये बताएंगे तो कहेगा हाँ, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप। मैंने इस वाली क्लास में एस्ट्रो 51 डेवलपमेंट के ग्रुप के लोगों को भी जोड़ लिया है। इसका रीजन था कि आप लोगों को भी क्लास करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि एस्ट्रो 51 डेवलपमेंट की जो क्लास है वो स्पेसिफिकली 2 चीजों पे फोकस करेगी, वो हम बता देते हैं, आप इसको समझ लीजिएगा। एक, किसी को ज्योतिष नहीं आती है तो
तो वो भी पढ़ सकता है। दूसरा मतलब ज्योतिष आपको सिखा जाएगा, तीसरा ज्योतिष को परफेक्ट कैसे करें वो भी बताया जाएगा, और तीसरी बात हमेशा याद रखिएगा आपके पास जो भी ज्ञान है उसको अपने घर में रखिएगा, उसको आप अपने जातक से उपयोग करिए। मेरी बात समझ में आ रही है? ये ज्योतिष सीखने का सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है, मतलब जब हम सीखें उस समय हम शांत रहें, और हमें यूज जब करना है तो हम इसे जातक से यूज कर लें, जो हमारा जातक होगा उसके प्रति हमें यूज करना है इस ज्ञान को। इससे फायदा क्या होता है? एक तो ज्ञान का सही परिमाण है, बात। समय बर्बाद नहीं होता, ये हमें करना है। और जो लोग भी एस्ट्रो 51 डेवलपमेंट ग्रुप ज्वाइन किए हैं उनको अभी 2-3 दिन, मेरा उद्देश्य था कुछ लिंक भेजना जिससे वो कहीं ना कहीं काम पा जाए, तो जब काम पा जाएंगे तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। गुरु जी एक बार सूत्र लगा, राजीव जी सूत्र बताते हैं, ध्यान से समझिए, फिर से दोहराते हैं सूत्र। सूत्र ये है ग्रह निर्देशन खाका दो, ये अब इसमें कृष्णमूर्ति वॉज अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोलॉजर, तो उनको वैदिक ज्योतिष याद करने में काफी कठिनाई होती, तो गणित के जो विद्यार्थी होते हैं वो सूत्र निकालते। समस्या इस बात की थी कि ग्रह अपनी दशा में किसका फल देगा। लोग बोलते हैं ना गुरु की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही, बहुत परेशान है। तो इस विषय में कृष्णमूर्ति ने क्या किया, उन्होंने शोध किया, शोध किया तो पाया कि ग्रह सबसे पहले फल उसका देता है जिसके नक्षत्र में वह स्थित है, उसका स्वामी जहां स्थित। अब ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा और ये देखिए तो आपको समझ में आएगा। हाँ अब इसमें देखिए एक चार्ट मैंने खोला था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, जो ग्रहों की स्थितियां होती हैं, जैसे नवमांश ये देखिए, जैसे सूर्य जो है इस कुंडली में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी कौन है? सूर्य सूर्य ही है, सूर्य ही है, सूर्य। सूर्य अब सूर्य कहाँ स्थित है इस कुंडली में? देखिए इस कुंडली में सूर्य किस भाव का स्वामी है? दूसरे भाव का स्वामी है, दूसरे भाव का। तो सूर्य जो सबसे पहला फल देगा वो दूसरे भाव का देगा। दूसरे भाव का मतलब धन भाव, उसको 2 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट्स व्हाई ये यहाँ देखिए 5 नंबर से इसका कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध उससे आता है कि जिस भाव को ये रूल कर रहा है। इस तरह होता क्या है कि केपी जो है चीजों को बहुत स्पेसिफाई कर देता है, बहुत छोटा छोटा कर देता है, जब जब छोटा छोटा कर देगा प्रिडिक्शन आपकी सही हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जब आप लगाएंगे तब आप इसी कुंडली को देख करके कोई पूछे बताइए हमको प्रोफेशन कौन सा लेना चाहिए, हम किस प्रोफेशन में जाए, अब इस स्थिति में प्रोफेशन का मतलब होता है कि वो व्यक्ति के पास पैसे कौन से काम से आए, कौन सा काम करेगा पैसा आए। अब काम वाला हाउस 10वां होता है, लाभ का हाउस 11वां होता है, दूसरा हो धन का होता है, अब इसमें वो कौन सा काम करे,
उस स्थिति में आपको उन ग्रहों को देखना पड़ता है जो 10, 11, 2 इन सब भावों को एक्टिवेट करते हैं। उसी से रिलेटेड वो व्यक्ति काम करेगा तो ज्यादा पैसा उसके पास आएंगे। और इसके साथ साथ एक बार एक अष्टक वर्ग की चर्चा मैंने आप लोगों से की थी। अष्टक वर्ग बहुत सही प्रिडिक्शन करने में मदद करता है कि आखिर व्यक्ति किस भाव का काम करे जिससे उसके पास ज्यादा पैसे आए। सर ये कैसे करेगा, अपना अष्टक वर्ग कैसे बताएगा, उसमें तो नंबर ही लिखे होते हैं ना। हाँ जी, अष्टक वर्ग में तो सिर्फ नंबर ही लिखे होते हैं ना सर। हाँ, वो उससे पता चल जाता है किस हाउस से रिलेटेड काम वो व्यक्ति करेगा, ये पता चल जाता। मतलब कि जिसके नंबर याद होंगे तो उसके रिलेटेड उसको काम करना चाहिए। नहीं, जिसके नंबर ज्यादा होंगे उससे नहीं, ये सूत्र नहीं है। जिसके नंबर ज्यादा होंगे वो किस हाउस का 11वां भाव है उससे रिलेटेड काम करना चाहिए उसको। सर एक बार एग्जांपल देख के समझा दीजिए। आज अष्टक वर्ग का चार्ट नहीं है ना, एक बार मैंने अष्टक वर्ग की क्लास ली थी, आप लोगों को भी अष्टक वर्ग की चार्ट लेंगे उसमें एग्जांपल देके समझा देंगे। प्लीज कल वाला परसों वाला भी सर वो कर देना, रिकॉर्डिंग भेज देना। कल परसों कोई क्लास नहीं थी। यू हैव अ न्यू चैट रिक्वेस्ट फ्रॉम नाथ थ्रू योर जी, प्लीज ओपन योर ऐप टू एक्सेप्ट इट। आज की क्लास यहीं तक। ओम द्यौः शान्ति अंतरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्ति राम शान्ति वनस्पतयः शान्ति औषधयः शान्ति। सर अभी और क्लास होगा क्या, 51 वाला?